नमस्कार दोस्तों, हम में से कई लोगों की सुबह चाय के बगैर तो हो ही नहीं सकती है। कुछ लोग तो चाय के इतने बड़े शौकीन होते हैं कि जब तक पेट में 2 से 4 कप चाय ना उड़ेल दें तो उनसे कोई काम ही नहीं होता। पूरे दिन में मॉर्निंग और इवनिंग टाइम चाय के लिए फिक्स होता है। इवनिंग में चाय के साथ लोग स्नैक्स खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में चाय के साथ स्नैक्स का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाय के साथ कुछ चीज़ों का सेवन करना सेहत के लिए सचमुच नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम में से कई लोग चाय के साथ मैदा या बेसन से बने स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। स्नैक्स टाइम में चाय के साथ सोच समझकर चीज़ों का सेवन करें, वरना गलत चीज़ों को खाने से ये आपके सामने साइड इफ़ेक्ट्स बनकर नज़र आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। पानी, घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर चाय से पहले पानी पीने की हिदायत देते हैं और अक्सर हमें चाय के तुरंत बाद पानी पीने से रोकते हैं। ये सही भी है, क्योंकि चाय पीने के बाद पानी पीने से हमारे पेट में कई तरह की समस्या होने लगती है। चाय के तुरंत बाद पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियों की समस्या होने लगती है। नींबू, चाय के साथ नींबू कभी भी भूलकर नहीं खाना चाहिए। ये आपके पेट में जहर का काम कर सकता है, इससे एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है। तली बुनी चीज़ें, हम में से कई लोग चाय के साथ नमकीन या तला बुना खाना पसंद करते हैं। यह ज़्यादातर लोगों का चाय के साथ फेवरेट कॉम्बिनेशन पकौड़ा होता है। बारिश हुई या घर में कोई मेहमान आ गया हो, चाय और पकौड़ों के बिना बात नहीं बनती है। मगर आपको जानकर थोड़ा बुरा लगेगा कि चाय के साथ बेसन की चीज़ें खाने से नुकसान हो सकता है। चाय के साथ अगर आप बेसन से बनी चीज़ें खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे आपके बालों के सफ़ेद होने की संभावना भी बढ़ सकती है। मीठे बिस्किट, हम में से कई लोगों को चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन बहुत भाता है। अगर आप भी चाय बिस्किट प्रेमी हैं तो आपको इसे ज़्यादा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मीठे बिस्किट में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही नहीं, इससे डायबिटीज़ और मुहासे होने का खतरा बना रहता है। शहद, कहीं आप मीठे से बचने के लिए चाय में शहद मिलाकर पीने की बेवकूफ़ी तो नहीं करते हैं, क्योंकि इससे शरीर के तापमान में बहुत फ़र्क पड़ता है और ये तनाव को बढ़ाने के साथ ही शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ाता है। स्मोकिंग, अक्सर हमने कई लोगों को देखा है कि ब्रेक टाइम में चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा सिगरेट भी सुलगा लेते हैं, लेकिन यदि आप भी कुछ ऐसा ही शौक रखते हैं तो अभी से संभल जाइए, वरना एसोफेगल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल गर्म चाय पीने से एसोफेगस टिश्यू नष्ट होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैंसर की समस्या हो सकती है। हल्दी, चाय पीने के तुरंत बाद हल्दी की चीज़ों से भी दूरी बनी रहनी चाहिए। चाय पीने के बाद हल्दी की चीज़ें खाने से बालों की कई समस्याएं होने लगती हैं और ये कई तरह से एलर्जिक रिएक्शन भी दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करें। धन्यवाद।